मऊ तक और प्रदेश के अन्य हिस्सों तक वहां से होते हुए मऊ जंक्शन के बदलने के बाद वर्षों पहले छोटी लाइन की जिसको छुप छुप गाड़ी कहते थे, हम लोग बचपन में जब यहाँ आते थे ननिहाल के में तो छुप छुप गाड़ी सुनते थे, ऐसी एक ट्रेन चला करती थी। लेकिन लगभग 40-50 वर्ष से उस ट्रेन में व्यवधान हुआ। पहला व्यवधान इस कारण से हुआ कि मऊ से भटनी वाली जो ब्रॉड गेज बन गई, बड़ी लाइन बन गई, तो इधर की छोटी लाइन रह गई, इसलिए वो गाड़ी बंद हो गई। और फिर छोटी लाइन पे बहुत दूरी भी कम थी, इंदारा और दोहरी घाट के बीच में छोटी लाइन रह गई, तो इसलिए भी वो काम नहीं चल पाया। बीच में कुछ दो डिब्बे वाले लोग बताते हैं कि डीजल के कुछ जो डिब्बे चलते थे फिर समयांतर वो भी बंद हो गए। पिछले 3 दशक से लगभग वो भी डीजल के जो डिब्बे चलना भी बंद थे। तो इस प्रकार ये लगभग 40-50 सालों से ये क्षेत्र रेल सुविधा से वंचित हो गया था, जबकि पुराने जमाने में कभी यहाँ रेल सुविधा हुआ करती थी। उस पीड़ा को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पीड़ा को समझा और 2016-17 में जब वो प्रधानमंत्री बने, मुझे याद है कि जब मैं भी उनके साथ प्रधानमंत्री में उनका सहयोगी सहायक बना, तो हम लोगों ने उनके ध्यान पे लाया कि साहब बहुत दिन पहले ये रेलवे लाइन चलती थी लेकिन आजकल बंद हो गई है। तो फिर उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से इस प्रोजेक्ट को, पुरानी छोटी रेल को, छोटी लाइन को बड़ी लाइन करने का जो काम था, प्रोजेक्ट था, उसको रेलवे के बजट में शामिल करवाया गया। वो काम शुरू हुआ और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस काम के पूर्ण होने पर उस काम का भी एक तरह से उद्घाटन किया, लोकार्पण किया, और उस पर ट्रेन चलाते हुए उस ट्रेन का भी दोहरी घाट से मऊ की सेवा का उद्घाटन किया है। आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि ये ट्रेन सेवा सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है, मऊ से दोहरी घाट से मऊ, दोनों तरफ चलने वाली है। अभी की स्थिति में दोहरी घाट, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, बड़हलगंज, बलिया, गोला बाजार, इन सभी इलाकों के, बल्कि आजमगढ़ के भी कुछ इलाके यहाँ से बहुत सटे हुए हैं, तो उन क्षेत्रों के जिन लोगों को मऊ जाना है या मऊ होते हुए बम्बई दिल्ली जाना है, उनके लिए इस सेवा का बहुत उपयोग होगा। भविष्य में मुझे ये भी बताया गया है और रेलवे का निरंतर विकास हो रहा है, तो मैं उस संभावना को भी देख रहा हूँ कि भविष्य में इस रेलवे स्टेशन का और भी विकास करते हुए, यहाँ अन्य सुविधाएं विकसित करते हुए, फिर यहाँ से लंबी दूरी की भी शायद ट्रेनें चलाना संभव हो पाएगा। वो विकास की एक अलग प्रक्रिया होती है। इस प्रकार मैं मऊ जिले के इस दूरस्थ, सबसे दूर वाला जो एक तरह से कह लिया जाए कि ये इलाका है, वहाँ मुख्यालय से लेकर के घाघरा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ ये दोहरी नगर जो है, दोहरी घाट नगर जो है, उसको जोड़ने की ये जो रेल सेवा शुरू हुई है, उसके लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी की, इनके आशीर्वाद से सब राज्य में हो रहा है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से माननीय रेल मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे व्यक्तिगत अनुरोध पर तुरंत ही गाड़ी शुरू करने का, ट्रेन शुरू करने की अनुमति दी। और इतना ही नहीं बल्कि स्वयं फोन करके उन्होंने मुझे इसकी जानकारी भी दी, ये भी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस छोटे से रेल मार्ग का भी उद्घाटन करने के लिए स्वयं सहमत हो गए हैं। ये भी हम सबके लिए खुशी की बात है। आपके संज्ञान में ये भी आया होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले मऊ से मुंबई की रेल सेवा का भी, ईवी डायरेक्ट सेवा का भी, की भी शुरुआत हुई है और वो शनिवार से नियमित रूप से अब उसका जाना शुरू हो गया है। पहले ही दिन वो उसकी बुकिंग जो थी ओवर हो गई थी, खत्म हो गई थी, प्रतीक्षा में रखना पड़ा। और प्लेटफार्म पर जिस तरह से आज यहाँ के प्लेटफार्म पे हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, उसी तरह जब उसका शुभारंभ किया माननीय रेल मंत्री जी ने, तब भी भीड़ थी। और परसों रात में लोग बताते हैं कि रेलवे प्लेटफार्म पे सभी, पूरा मऊ जो है एक तरह से उस ट्रेन को विदा करने के लिए उमड़ पड़ा था। आज भी मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का दर्शन करने के लिए, उनका बात सुनने के लिए और इस ट्रेन सेवा को
को का उत्सव मनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, मैं सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 300 का बताया गया है विभाग से, 300 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट। आगे का प्लान हमेशा यही होता है कि जब छोटी गाड़ी चल जाती है तो बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी चल जाती है तो लंबी गाड़ी। आपने आज देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब वंदे भारत ट्रेन शुरू किया था तो लोग हंसते थे, भारत में कहाँ संभव है इतना तेज गाड़ी चलने वाला, जाके कहीं कहीं रुक जाएगी, कहीं सिग्नल नहीं मिलेगा, कहीं कहीं लाइन नहीं बदलेगी। लेकिन वंदे भारत चल रही है, देश के तमाम हिस्सों में चल रही है और इसी बनारस में एक नहीं आज दूसरी वंदे भारत शुरू हुई। इस प्रकार रेलवे का और सभी भारत के जनता की सभी सेवाओं का जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है, अद्भुत है, अतुलनीय है, ऐतिहासिक है और ये सिलसिला, ये विजय कूच हमेशा जारी रहेगा।